मुंब्रा देवी कॉलोनी रोड नियर सेंट मेरी स्कूल उत्तर भारतीय मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता और उनके सहयोगियों द्वारा बनाए गए पंडाल में इस वर्ष 10 फीट की गणेश प्रतिमा भक्तों के आस्था का केंद्र पहले ही दिन बन गया, क्योंकि दिनांक 23 सितंबर 2018 को श्री गणेश प्रतिमा का विसर्जन होगा और इस बार पहले ही दिन हजारों गणेश भक्तों ने अपना माथा टेकाया विघ्नहर्ता श्री गणेश के चरणों में। इस वर्ष इस पंडाल में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राम सजीवन दुबे, सुरेश मणि चतुर्वेदी, नाना मिश्रा, बजरंग बली शर्मा, विनायक सिंह, आलोक सिंह, रमेश प्रजापति, आनंद साह, विनय गुप्ता, राजकुमार, बीके चौरसिया, संजय चौरसिया, सोनू गुप्ता, मुकेश गुप्ता, पिंटू गुप्ता, रजनीश यादव, विजय सिंह, श्यामधर पांडे, रमेश तिवारी, विकास तिवारी, अनिल तिवारी, मिथिलेश मिश्रा, संतोष शुक्ला, पवन शुक्ला, संगम पांडे विशेष सहयोगी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महन पांडे, सीएन न्यूज में स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोट संप्रभ निर्विघ्न पूर्व दिवस सर्व कार्यो सर्वदा। जैसे कहा जाता है, सभी कार्यों की सिद्धि देने वाले श्री गणेश जी हैं। आज चतुर्थी का दिन और गणेश पंडालों में, यहाँ तक कि हम कहें समस्त भारत में जो गणेश की एक प्रकार से जो प्रतिमा बैठाई जाती है, निश्चय ही जो भक्त हैं उन भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वैसे ही कड़ी में दीवापुर में उत्तर भारतीय मंडल है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जो प्रतिमा बैठाते हैं कितने वर्षों से बैठा रहे हैं और उस प्रतिमा की खासियत क्या है और उसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे दीवावासियों के लिए। तो मनोज गुप्ता जी, सर्वप्रथम आपका सीएम न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को जरा सही बताएंगे कि जो आप यह गणेश प्रतिमा बैठाते हैं उसका संदेश क्या देना चाहेंगे। मकसद ये है कि हमारे जितने भी उत्तर भारतीय समाज के हैं सब एकजुट जुड़े और गणपति बप्पा का सेवा करे, पूजा में और भंडारे में सब उपस्थित हो। अच्छा, हमारे दर्शकों को जरा से ये बताइए कि जो आप ये गणेश प्रतिमा 7वां वर्ष है, जब पहले वर्ष आप बैठाए थे तो किन किन तकलीफों से आपको सामना करना पड़ा था। बहुत सारी कठिनाई आई थी और उस कठिनाई का पूरा हल शैलेश पाटिल जी ने निकाले, यहाँ तक कि मारामारी से लेकर सब कुछ हुआ, मगर आज शैलेश सेक्टर देने के 7 साल मेरा कंप्लीट हुआ और वही आज तक चालू है। देख रहे हैं हमारे बीच में मनोज गुप्ता जी हैं और भी तमाम हमारे बीच में लोग मौजूद हैं। ये हम उसे सीधा सवाल करना चाहेंगे और उसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि इस पंडाल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे बीच में राम सजीवन दुबे जी मौजूद हैं, हम सीधे उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर इस पंडाल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं अपने सीएन न्यूज परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज हमारे दीवा के किसी भी खबर को आप लोग सोशल मीडिया पर इतने उत्साहित ढंग से प्रेषित कर रहे हैं। मैं वापस धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उत्तर भारतीय मंडल परिवार की तरफ से। बहुत खुशी की बात है कि उत्तर भारतीय मंडल परिवार आज के 2012 में जिस समय श्री गणेश उत्सव का आरंभ किया, उस समय हमारे माननीय श्री शैलेश मनोहर पाटिल साहब यहां का स्थानिक जो कि अभियान नगर सेवक हैं, बहुत बड़ा सहयोग है। आज इसके संस्थापक माननीय श्री शैलेश मनोहर पाटिल जी हैं और हमारे लाडले उत्तर भारतीय परिवार माननीय श्री मनोज गुप्ता जी, उद्योगपति और बिल्डर्स, आज इनके जो सहयोगी ग्रुप है माननीय श्री सोनू गुप्ता जी, अरविंद चौरसिया जी, श्री माननीय श्री बजरंगबली शर्मा जी और जो भी बहुत सा यहाँ पे उत्तर भारतीय परिवार हैं जो कि कंधे से कंधे मिलाकर हमारे माननीय श्री मनोज गुप्ता जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं, इनका रात दिन सहयोग कर रहे हैं। आज उनकी उपलब्धि के पूरे दीवा में सबसे बड़े उत्तर भारतीय समाज की सबसे बड़े गणपति और सबसे हर्षोल्लाहित गणपति मानी जाती है। जिस समय गणपति निकलती है, जिस समय यहाँ पे स्थापना होती है, यहाँ हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहते हैं और इतना बड़ा श्रेय, इतना बड़ा योगदान हमारे जो मनोज गुप्ता जी अध्यक्ष हैं जो कि इतने लाडले, इतने प्रिय यहाँ के कि इनके साथ जो इनके सहकर्मी हैं और हम लोग जो संरक्षण ग्रुप है, इतना बड़ा योगदान मिलता है कि मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे दीवा के जो उत्तर भारतीय हैं वो जो कि नहीं आ रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं वो आएँ और उत्तर भारतीय परिवार के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए अपने इस मंडल के गणपति को और भी अगले आने वाले साल में इसको और भी उत्साहित ढंग से मनाएं। मित्रों, ये थे राम सजीवन दुबे जी जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं, दीवा के जाने माने नाम से चेहरे हैं। इनको किसी नाम की जरूरत नहीं है, खुद ही एक प्रकार से नामचीन शख्सियत हैं।
फिर हम चलते हैं संस्थापक अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी के साथ। सर ये बताइए, जो आप ये पंडाल बैठाते हैं, पंडाल के माध्यम से आप दीवा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि भक्ति भावना और सब मिलजुल के एक साथ हम लोग रहे और कार्यक्रम का लुक उठाए। हमारे साथ और भी उनके सहयोगी बने हुए हैं, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके विचार क्या हैं। तो हमारे बीच में श्री आलोक सिंह जी मौजूद हैं, आइए उनसे सीधे सवाल करते हैं। क्या कहेंगे सर मंडल के माध्यम से? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो उत्तर भारतीय मंडल हैं, सभी उत्तर भारतीय मंडल दीवावासियों के लिए निवेदन करते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसे उत्तर भारतीय हैं जो कि जानते हुए भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पे लोग भेदभाव रखते हैं, बहुत ऐसे उत्तर भारतीय जो भेदभाव रखते हैं। मैं इन लोगों को न्यूज देना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय कभी भेदभाव नहीं रखते हैं, यहाँ पे आएँ, हम किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। कोई भी नेता हो, कोई भी प्रजा हो, कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ उत्तर भारतीय मंडलों के लिए है, उत्तर भारतीय वासियों के लिए है। और मैं यहाँ पे उन लोगों को निमंत्रित करता हूँ, हर साल की तरह इस साल भी निमंत्रित करता हूँ कि गणपति आएँ और उत्साह करें और हमारे साथ सब कुछ कंधे में कंधे मिला के इस गणपति को आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे सर आप? हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद चौरसिया बोल रहा हूँ। हमारे उत्तर भारतीय मंडल में हमारे मनोज गुप्ता जी जो है बहुत सहयोगी रहे हैं और इन्होंने 2012 में जिस प्रकार से गणपति बैठाना आरंभ किया है और उस प्रकार देखा जाए तो हमारे विरोधी बहुत लोग खड़े थे, तब भी मनोज गुप्ता जी ने बहुत साहस दिखाया और उस साहस वही जीवन को हमारे पापा जी ने पूरा किया है। अब आगे चल भी इनकी आशीर्वाद इसी तरह रहेगा तो आगे पूरा होते रहेगा। और रही बात पापा जी की, ऐसी कृपा है, यहाँ जो भी मांगन मांगते हैं सब पूरी होती है। इसीलिए आज तक हमारा पहले 7 दिन का हम बैठा देते, फिर उसके बाद 11 दिन का कर दिए, जो 10 दिन 11 दिन जो रहता है वो पूरी हमारी पापा जी की कृपा से इसी तरह बैठाए रहें। और आप लोगों का हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि इसी तरह हमारे पापा के ऊपर सब लोग आके आज दर्शन करें और जो है उनकी सेवा करें। क्या कहेंगे सर आप जो है? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे उत्तर भारतीय मंडल जो है उसमें सब बिहार मतलब जितने भाई बहन हैं सब आके यहाँ पे दर्शन करें, हम लोगों को सहयोग करें। अरे मेरा सिर्फ भंडारा होता है उसमें सब सहयोग करें, हम लोग भी यही कहना चाहते हैं सर। गणपति बप्पा भोला, मंगल मूर्ति भोला। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे आवाज आई गणपत बप्पा मौर्या, तो हम भी फिर से कहना चाहेंगे गणपत बप्पा मौर्या। और विघ्नहर्ता से हम यही कहेंगे कि जो इस बार आप आए हैं सुख शांति का प्रतीत हो, देश उन्नति करे, तरक्की करे, इन्हीं उम्मीदों के साथ दीजिए हमको इजाजत। मैं फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।